इंदौर से खबर जहां कैलाश विजयवर्गीय का कमलनाथ पर हमला है। कमलनाथ के खरीद फरोख के आरोप पर पलटवार किया है। कमलनाथ के पास करोड़ों की संपत्ति लेकिन वो मानसिक रूप से दरिद्र है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अपने नेतृत्व पर विश्वास नहीं है। कमलनाथ अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रहे हैं। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कमलनाथ जी से कि आपकी और आपके कांग्रेस के नेताओं की सारी संपत्ति मिला लें, उससे ज़्यादा संपत्ति सिंधिया जी की है। उनका महल इतना बड़ा है तो तुम उनको बिकने की बात करते हो, उनको गद्दार कहते हो। अभी तक महाराज महाराज करके उनके आगे पीछे घूमते थे और अब उनको गद्दार कह रहे हो, क्योंकि तुमने गद्दारी की प्रदेश की जनता के साथ। तुमने कर्ज माफ़ नहीं किया, तुमने बेरोजगार नौजवानों को भत्ता नहीं दिया, तुमने जो जो वादे किए थे एक पूरा नहीं किया, तो गद्दार हो तुम। पर गद्दार दूसरों को कहना, मैं समझता हूँ कि ठीक बात नहीं। कमलनाथ जी इस उम्र में जिस प्रकार उनकी ज़मीन खिसक रही है, मैं नहीं समझता कि उनका मानसिक संतुलन ठीक है अभी, क्योंकि इतना अहंकार कि महिलाओं का अपमान करने के बाद उनके नेता ने खुद ने असहमति बताई, उसके बाद उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। ये अहंकार है और ये मानसिक रूप से दिवालियापन वाला बयान। पीयूष पारे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पीयूष, वैसे भी विजयवर्गीय तीखे हमले के लिए जाने जाते हैं और कमलनाथ को और उनकी संपत्ति को लेकर खासा हमला किया उन्होंने और मानसिक रूप से भी संतुलन सही नहीं है, ये तक कह दिया। देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जो तारीखें हैं वो नजदीक आ रही है, उसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और कोई भी मौका यहाँ पर तमाम नेता नहीं छोड़ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, दिग्गज नेता हैं और पार्टी में जिस तरह से उन्हें यहाँ पर मालवा निमाड़ की जिम्मेदारी सौंपी, उसके बाद में लगातार वे चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में आज उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, इतना उन्होंने यह भी कहा है कि ये जो बयान सामने आ रहे हैं कमलनाथ के, वो कहीं ना कहीं मानसिक दिवालियापन उनका दर्शाते हैं। वहीं दूसरी ओर कमलनाथ की संपत्ति को लेकर भी सीधे तौर पर उन्होंने यहाँ पर निशाना साधा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जिस तरह से कांग्रेस हमलावर हो रही है अभिषेक, उसके बाद में कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय उनके बचाव में आए हैं। उनका यह भी कहना है कि कांग्रेस पूरी अपनी संपत्ति कांग्रेस के नेता मिला ले, उससे कहीं ज्यादा जो है वो संपत्ति यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बिकाऊ कहना गलत बात है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस किस तरह से इस पूरे मामले में पलटवार करती है, लेकिन उपचुनाव की तारीख के नजदीक आते ही लगातार बीजेपी और कांग्रेस में ये जो संग्राम है अभिषेक, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार तेज होते हुए जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल पीयूष, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो कैलाश विजयवर्गीय का ये तीखा हमला कमलनाथ पर, कमलनाथ की संपत्ति के साथ साथ कमलनाथ के मानसिक रूप से उनको दरिद्र बताया है कैलाश विजयवर्गीय ने। तो जैसे जैसे अब चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, हमले तीखे हो रहे हैं, वैसे भी बीजेपी के निशाने पर कमलनाथ सीधे तौर पर हैं।